गुड इवनिंग बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लेक्चर नंबर 4। लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी, एटॉमिक नंबर वगैरह की बात कर ली थी, है ना। एटॉमिक नंबर से रिलेटेड जो भी चीजें थी उसकी बात की थी, ठीक। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल। तो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की बात की जा रही है। एटॉमिक मॉडल आया क्यों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी डिस्कवरी हो गई। डिस्कवरी होने के बाद बोला गया एटम के अंदर है, पर इनकी प्लेसिंग क्या है, कौन अंदर की तरफ रहता है, कौन बाहर की तरफ रहता है, कहाँ पे है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया था, हालांकि वो गलत था, बाद में गलत प्रूफ हुआ, लेकिन किसने दिया था फर्स्ट मॉडल? थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने दिया था। थॉमसन मॉडल बोलते हैं। कुछ बेसिक चीजें इनके मॉडल की याद रखेंगे कि भाई इन्होंने अपने मॉडल को क्या बोला था, वाटरमेलन मॉडल कह सकते हैं इनके मॉडल को। आजकल वाटरमेलन का टाइम है, सब लोग खा रहे होंगे, देख रहे होंगे किस तरीके का होता है वाटरमेलन, अगर कट करिए तो किस तरीके का होता है, कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। अगर आप ओपन करिए इस तरीके से, मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, तो ग्रीन पार्ट होगा, इस तरीके से अगर ओपन करो तो ये क्या होगा, पूरा रेड पार्ट होगा, और रेड पार्ट के साथ साथ सीड्स एम्बेडेड होंगे इसमें, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भाई जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से एक एटम जो है वो एक स्फेरिकल पार्ट है, स्फेयर की तरह ट्रीट किया इसको, एटम को, और बोला कि इस स्फेयर में, इस एटम में पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे कि रेड पार्ट होता है किसका, वाटर में, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज पूरा है, और ये जो आपके इसके सीड्स होते हैं जिस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से उसके अंदर पॉजिटिव पार्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था इन्होंने, यानी इनका मॉडल न्यूक्लियस की डिस्कवरी के पहले आ गया था, ठीक है। बोल दिया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव पार्ट है पूरा, जैसे वाटरमेलन में पूरा रेड पार्ट इक्वल होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सब तरफ, और सीड्स जैसे एम्बेडेड होते हैं उसी तरीके से आपके क्या होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नोट हो गया सबका। फिर दूसरी बात इन्होंने बोली, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात बोली। अच्छा, नोट कर रहे हो। सबसे पुराना मॉडल था इसलिए क्या करते हैं इसको अभी तक याद रखते हैं, काम का नहीं बचा है लेकिन अभी तक याद रखते हैं। जैसे कोई चीज होती है ना कि पहली बार किसी ने बताई, तो दूसरी बात इन्होंने बोली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि इन्होंने बताया कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज
किसी एक एटम में जितना है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आपको पता है कि एटम कैसा होता है, बेसिकली न्यूट्रल। एक्सपेरिमेंट से देखा गया एटम कैसा है, न्यूट्रल। तो इन्होंने ये इंटरप्रिटेशन भी दे दिया कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो बैलेंस है ना। हाँ, एटम बोले तो बैलेंस, आयन बोलेंगे तो इम्बैलेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? कैमरा ऑन कर ले सब लोग। इसके बाद बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स। भाई न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया, सब कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ गई? इसके बाद थॉमसन के बाद एक साइंटिस्ट आ गए, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कर डाला और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो इनके मॉडल को सही सिद्ध नहीं कर रहे थे। तो बोला तुमने तो गलत गलत बोल दिया भाई। ठीक है, डीमेरिट्स हो गई। तो अभी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन। अभी बस इतना ही नोट करिए कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसके रिजल्ट को लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट सेटिस्फाई। उसके जो भी रिजल्ट आए थे उसका आंसर ये नहीं दे पाए। बाकी लोग भी कैमरा ऑन करें। परी वो डी डी से बोलो, क्या नाम है? देवांशी, कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके जो भी रिजल्ट थे उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए। दो चीजें बताई इन्होंने, वो अच्छी बताई, लेकिन एक उसमें से बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गई, पहली वाली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वाली, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी सही नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलो अब हम हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। या इसी को हम लिखेंगे न्यूक्लियर मॉडल। या इसी को हम लिखेंगे रदरफोर्ड मॉडल। या इसी को बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कौन सा मॉडल निकल के आएगा? रदरफोर्ड का मॉडल निकल के आएगा। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, ध्यान से समझ लेना है पहले, फिर पॉइंट्स को लिखवा दूंगा। ठीक, समझ लीजिए। तो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मान लो यूरेनियम ले लिया। ठीक है, इनसे कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, कुछ रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक, इन पार्टिकल्स इनको लिया और इसमें से कुछ ऐसी डिवाइस इन्होंने लगाई कि केवल अल्फा पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ जाए। यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दी, यहां से अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ जा रहे। ठीक, अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे गोल्ड की थिन फॉयल लगा दी। किसकी फॉयल लगाई?
गोल्ड एटम ले लिया, गोल्ड की थिन, ठीक है, एटम में किसको चूज किया इन्होंने, गोल्ड। अब आप बोलेंगे गोल्ड का फॉयल होगा तो उसमें गोल्ड के एटम्स होंगे, है ना, ढेर सारे, जितने मैं लिख रही हूं उतने नहीं, बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। अब गोल्ड के एटम्स होंगे डिफरेंट, बहुत सारे, तो गोल्ड के एटम्स हैं अगर, तो आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन इस एक्सपेरिमेंट में कि रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉयल क्यों ली। गोल्ड जो होता है इन जनरली कैसा एलिमेंट होता है, नोबल मेटल बोलते हैं, इनर्ट होता है, बहुत सारी चीजों से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इन्होंने लिया। दूसरी चीज, अगर अल्फा पार्टिकल, वैसे तो पार्टिकल्स की कैटेगरी में देखें तो बहुत हैवी पार्टिकल की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि उस तरीके से बात करें तो लाइट होता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा मोटी फॉइल ले लोगे, तो जो एक्सपेरिमेंट ये देखना चाह रहे थे, मोटी भी लगा के इन्होंने देखी होगी, फिर थिन से भी किया होगा, तो थिन से इनको रिजल्ट अच्छे मिले, थिक फॉइल से रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, ठीक है, तो थिन फॉइल लगा दी इन्होंने, एक तरीके से बोलो एटम्स की लेयर लगा दी, अल्फा पार्टिकल्स को इन पे बम्बार्डमेंट करवाई, डाले ढेर सारे, ठीक। अब होता क्या है एक्सपेरिमेंट में, आराम से नोट करने की जल्दी नहीं आपको, अल्फा पार्टिकल की अगर बात करो तो अल्फा पार्टिकल मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ये जो होता है दिस इज हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मतलब है हीलियम एटम की अगर बात करो तो उसको लिखते हैं हम 2He4, ठीक। हीलियम एटम के अंदर दो प्रोटॉन, दो ही न्यूट्रॉन और दो ही इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके अंदर से अगर दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो अब इसमें बचता है दो प्रोटॉन और दो ही न्यूट्रॉन, बाद में कॉन्सेप्ट आया कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये बन जाता है हीलियम प्लस प्लस। अभी ये क्या था, हीलियम था, अब हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिए हमने तो क्या बन गया, ये हीलियम प्लस प्लस। पार्टिकल्स की कैटेगरी में ये हीलियम प्लस प्लस जो होता है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ये एक हैवी पार्टिकल, कैसा पार्टिकल है, ठीक है। अब आपको एक दिन एक बात समझाई थी कि जैसे मान लो कि कोई हल्का फुल्का आदमी आपको चाटा मारे, है ना, तो क्या होगा, आपका फेस थोड़ा सा शिफ्ट होगा। अगर कोई एकदम दमदार सनी देओल का हाथ पड़ जाए तो क्या होगा, सनी देओल का हाथ पड़ेगा तो क्या होगा, है, आदमी उठता नहीं है, क्या हो जाता है, उठ जाता है, तो मोमेंटम बहुत तगड़ा मिलेगा ना, फोर्स बहुत तगड़ा लगेगा, मोमेंटम बहुत तगड़ा मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, ठीक। दूसरी चीज, अगर आप बात कीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, दोनों अगर आपस में कोलाइड करते हैं तो आपको क्या लगता है, सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या समझाया कि जब आपने अल्फा पार्टिकल को इस पे बम्बार्ड किया तो देखा क्या इन्होंने, इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट चले गए, ठीक। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, मतलब लगभग लगभग इन्होंने बताया कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो रीबाउंड किया, रीबाउंड का मतलब 180 डिग्री से वापस आया। कुछ ऐसे थे जो 90 डिग्री से कम पे एंगल पे ट्विस्ट हुए, कुछ ऐसे थे जो आपके 90 से ज्यादा पे हो गए, ठीक है, और 20,000 में से लगभग लगभग एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो रीबाउंड किया, ठीक है। तो रीबाउंड का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या सोचा,
क्या बोला इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में, क्या देखा ऑब्जर्वेशन में, क्या देखा इन्होंने कि भाई अराउंड वन अल्फा पार्टिकल इन 20,000, अभी लिखने के लिए बोल दूंगी मैं, केवल एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से क्या हो गया रीप, और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए गो स्ट्रेट, सीधे निकल गए बिल्कुल बाहर, सीधे पाथ देखा इन्होंने अल्फा पार्टिकल, कुछ जो थे वो ऑब्ट्यूस एंगल पे निकले, ऑब्ट्यूस एंगल समझते हैं ना, और कुछ कितने पे निकले एक्यूट, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम वाला, अच्छा ऑब्ट्यूस वाला 90 से बड़ा, अच्छा ठीक, इस एंगल पे निकल गए ठीक। तो मतलब कुछ ऐसा दिखा इनको कि ये मान लो गोल्ड फॉइल थी, यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, तो कुछ ऐसे हुए जो रिबाउंड हुए 20,000 में से एक, ठीक है रिबाउंड हुआ, कुछ ऐसे गए ठीक है, कुछ ये कौन सा एंगल बनेगा एक्यूट बनेगा, ऑब्ट्यूस बनाओगे तो कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसे चले गए ठीक है, और बहुत सारे ऐसे थे जो कैसे गए सीधे सीधे मामला निकल गया, तो पेपर पे इतने सारे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सीधे निकल गए बहुत सारे। तो क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि भाई मान लो अल्फा पार्टिकल क्या है पॉजिटिव चार्ज है ठीक, इसमें बीच में इसका मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में ही रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में ही रिपल्शन होगा, एक पार्टिकल अगर 20,000 में से रीबाउंड कर रहा है इसका मतलब बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा पार्टिकल रीबाउंड नहीं कर रहे हैं ठीक है, इसका मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से एरिया में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में है, अगर पॉजिटिव चार्ज बड़े एरिया में होता एटम के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा को रीबाउंड कर देता, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे एरिया में है तभी इतने सारे नंबर्स में से एक केवल रीबाउंड हुआ, बाकी सब कैसे निकल गए स्ट्रेट निकल गए, स्ट्रेट निकलने का इंटरप्रिटेशन इन्होंने क्या दिया कि स्ट्रेट निकलने का मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल के बीच में कोई आया नहीं टकराने के लिए, कोई इसको पलटने के लिए, कोई इसको रीबाउंड करने के लिए आया नहीं, मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है एम्प्टी है, खाली है, बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है, बीच में बहुत छोटा पार्ट है जो पॉजिटिव पार्ट है जिसका वॉल्यूम पूरे एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी छोटा है, और उसी को इन्होंने बोला न्यूक्लियस, क्या नाम दिया उसी पार्ट को, छोटे पार्ट को न्यूक्लियस, इसीलिए इनके मॉडल को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं, क्लियर होती है बात, रीबाउंड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोचा इन्होंने कि जैसे मान लो एक विंडो है खुली हुई है, मकान बन रहा है खुली हुई विंडो है, अभी उस पर कुछ रॉड वगैरह कुछ शीट वगैरह नहीं लगा है, आप बॉल फेंकोगे अगर तो क्या चांसेस है 100% प्रोबेबिलिटी है, मेरे जैसा ना फेंके कि वॉल पे फेंक दे, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल कहाँ चली जाएगी सीधे, ठीक है, अब क्या करो आप इतनी बड़ी विंडो है, सपोज ये वाली रूम की विंडो है इतनी बड़ी, अब इसमें आपने दो रॉड लगा दी तो दो रॉड क्या करेगी, अगर उस दो रॉड से टकराता है वो तो वापस आएगा, अदरवाइज फिर भी चांस है कि वो सीधे निकलेगा ठीक। अब हम क्या करें, अब हम इतने इतने के गैप पे बिल्कुल बहुत पतले पतले गैप पे रॉड्स लगा दें,
तो अब चांस क्या होगा, रीबाउंड करने का चांस बढ़ेगा। अब रॉड हटा दें, क्या लगा दें, शीट लगा दें कोई फाइबर की, तो अब रीबाउंड होने का चांस और बढ़ गया। इसका मतलब रीबाउंड तो तब होगा जब उससे कोई टकराएगा, तो रीबाउंड होने वाले पार्टिकल्स का नंबर इतना कम है, तो बोला गया इसका मतलब जो रीबाउंड कर रहा है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है। तो रीबाउंड होने वाले पार्टिकल का नंबर इतना कम है, इसका मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत छोटे सी जगह पे है, छोटे से वॉल्यूम में है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसी बेसिस पे इनके मॉडल को बोला गया न्यूक्लियर मॉडल, और रदरफोर्ड को इनके न्यूक्लियर मॉडल की वजह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी का भी श्रेय देते हैं और रदरफोर्ड मॉडल की भी बात करते हैं, ठीक है। फिर अभी इनके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करेंगे। अब एक एक पॉइंट पहले इसका नोट कर, डायग्राम आप कहां से बनाएंगे, एनसीईआरटी से या बुक से, जो भी आपके पास होगी, ठीक है। अब पहले लिख लो इसमें रदरफोर्ड मॉडल, ये डाल दिया, ठीक है। अब लिख लीजिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पहले लिख लो, वो लिखवा रही हूं ना प्रॉपर, अल्फा पार्टिकल पहले डाल लो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कैसे बना वो नोट कर लो, फिर रदरफोर्ड मॉडल के प्राइम प्राइम पॉइंट नोट करवा देते हूं। टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, नोट्स बहुत सी किताबों में बहुत सारी जगह बहुत कुछ अवेलेबल है, नोट्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन टीचर नोट्स इसलिए लिखवाता है कि बच्चा कहीं बुक में खो ना जाए। कई बार होते हैं कुछ पॉइंट इररिलेवेंट भी होते हैं, पहले आपको टॉपिक समझना जरूरी है। अल्फा पार्टिकल नोट कर लीजिए, उसके बाद बता दें। ठीक है, क्या नाम है ये, सक्षम कंटिन्यूअस बुक नहीं देखते, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब टीचर पढ़ा रहा हो उस टाइम पे बुक मत देखो। बुक की रीडिंग कहाँ करनी है, घर पे करनी है, थॉरो करनी है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, पेंसिल से मार्क कर लीजिए, अगले दिन आके पूछिए, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, बस हो गया, ये लिखना था, ऑब्जर्वेशंस डाल लीजिए, क्या ऑब्जर्व किया। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट फास्ट लिखेंगे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए, नियरली 99% कंटिन्यूड विद देयर स्ट्रेट पाथ, nearly 99% continued with their straight path, next point likhiye, some alpha particles are deflected by acute angles and some are deflected by obtuse angle, acute से भी बहुत कम होंगे, obtuse से ज्यादा होंगे।
थर्ड पॉइंट में लिखिए जो प्राइम पॉइंट है आपका, वेरी फ्यू पार्टिकल्स ब्रैकेट में लिख लीजिए वन इन 20,000 अप्रॉक्सीमेट अगर लगाएं तो एक पार्टिकल 20,000 अगर डालते हो तो उसमें से एक, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वन इन 20,000 आर रीबाउंड बैक, ब्रैकेट में लिख लीजिए 180 डिग्री, 180 डिग्री से केवल एक गया, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा, अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या इंटरप्रिटेशन निकाला उसी को हम बोलेंगे मॉडल। तो मेन फीचर्स डाल लीजिए अगली हेडिंग, ऑब्जर्वेशन तो हो गए, अब क्या लिखेंगे मॉडल के मेन फीचर्स। पहला पॉइंट लिख लीजिए, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा पार्ट क्या है खाली है। सेकेंड लिखिए, सिंस वेरी फ्यू पार्टिकल्स रीबाउंड बाय 180 डिग्री, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज is placed in very small volume, in very small volume, and this is and this part is called nucleus, so this model is called nuclear model, nuclear model। कुछ कैलकुलेशंस भी किए गए, बोला गया कि अगर एटम का रेडियस देखो आप तो एटम का रेडियस अप्रॉक्सीमेट होता है 10^-10 मीटर, इस ऑर्डर का होता है, ऑर्डर बोले तो इस रेंज में होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियस का रेडियस देखा गया तो न्यूक्लियस का रेडियस आता है 10^-15 मीटर, इस रेंज का, मतलब न्यूक्लियस काफी छोटा हो गया, एटम भी बहुत छोटा है लेकिन एटम से भी बहुत छोटा। हाँ बताइए, एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा जस्ट फ्रॉम द कॉर्ड,
रिपीट करिए. स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन और ये बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द पॉइंट बट स्टे टू द डायरेक्ट कोलिजन विद अ हैवी पॉजिटिव चार्ज ऑफ मास. तो इसका क्या मतलब है? मतलब मैं मैंने भी तो यही बताया, अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल है, शुरू में बताया, बाउंस बैक हो रहा है. क्यों हो रहा है? हाँ, कोलाइड हो रहा है ना? तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है. मतलब एक्सप्लेनेशन है, कह सकते हैं उसको एक्सप्लेनेशन, बट वो क्या है, वो इस मॉडल का इंटरप्रिटेशन नहीं है. जो फाइनल रिजल्ट आए, अभी मेन फीचर्स में हमने क्या बताया आपको, फाइनल रिजल्ट. ठीक है, आपकी बात सही है. एम्प्टी वाला लिखवा दिया, मोस्ट पार्ट इज एम्प्टी और न्यूक्लियस का रेडियस बहुत कम है. किसके कंपैरिजन में? एटम के कंपैरिजन. ठीक है, ये वाली बात किससे पता लगी? क्योंकि एक ही पार्टिकल जो है वो क्या हुआ था, 20,000 में से एक ही रीबाउंड हुआ था, उससे पता लगी. वो काउंटिंग से भेजेंगे ना, देख नहीं सकते, पर उसके लिए भी मेजरमेंट होता है कि इतने ग्राम अगर आप ले रहे हो तो एक सेकेंड में इतना रेडिएट करेगा, उसका भी मेजरमेंट होता है. ऐसा नहीं रेड यहाँ पे रेडियम यूरेनियम रख दिया और चालू है मामला, है ना? क्योंकि बिकॉज वो चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल या इनसे और भी रेज जो निकलती हैं वो क्या होती है, हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होती है. वो एक एरिया बनाया जाता है. ठीक है, जैसे आप इसमें जाते हैं, मतलब जाए ना भगवान करे, अगर आप कभी इसमें जाइए न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जाओ, तो पूरा आपको कवर वगैरह, जैसे कि अभी कोरोना आ गया था तो पीपी किट बचने के लिए था ना, उस तरीके का पूरा किट होता है. जैसे आप कभी कैंसर हॉस्पिटल, मतलब नहीं जाइए, पर जो जो लोग जाते हैं वो देखते हैं कि जहाँ पे कैंसर में एक आपका वो चलता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं हैवी, है ना, हैवी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं रेडिएशन ट्यूमर को खत्म करने के लिए. तो वो जो पार्ट होते हैं वो हार्मफुल भी बहुत होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट है, कितना भी रेडिएशन उसमें डाल दिया, उसका पूरा पर्टिकुलर मैनेजमेंट होता है कि इतना बड़ा ट्यूमर है, इतना अंदर तक है, तो इतना डाला जाएगा इस हिसाब से. ठीक है, तो सारा मेजरमेंट होता है. जी हाँ, हाँ हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल. देखो रेडियस के रिलेशन से बोल सकते हैं ना. अभी हमने बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा है. किससे? रेडियस ऑफ पूरे एटम से. ठीक है, और आपको ये भी बोला कि यहाँ बीच में कॉन्सेप्ट बोल दिया गया कि यहाँ पे है न्यूक्लियस और इधर पे क्या है, शेल्स है. ठीक है, इस पार्ट को अभी शेल या ऑर्बिट ना कह करके इस पार्ट को क्या बोला गया, बाहर वाले पार्ट को, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है. अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है तो इसका मतलब यहाँ पे है वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम यहाँ पे सेंटर्ड है, तो इसका मतलब ज्यादातर जो मास होगा वो कहाँ पे होगा, मास ऑफ एटम कहाँ पे फोकस्ड होगा, फोकस्ड इन सेंटर, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस कह सकते हैं. बिल्कुल, नोट कर लो ये पॉइंट भी. पॉइंट में आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द मास फोकस्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम और सेंटर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. जैसे रेडियस का रिलेशन लिखा है वैसे वॉल्यूम भी लिख सकते हो ना, कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, छोटा होगा.
किससे? एटम के वॉल्यूम से, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में आपने क्या पढ़ा है, एटम को स्फीयर मान रहे हैं, स्फीयर जैसा, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। तो जिसकी रेडियस बढ़ी उसका वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि पूरे एटम के कंपैरिजन में आपका न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा काफी, क्योंकि रेडियस काफी कम है। जी ये बोल दूं इस पॉइंट को, ये कहना चाहते हैं, लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ एटम इज मास वाला, मास वाला क्या पॉइंट बोला था भाई, मास ऑफ एटम इज फोकस्ड इन द सेंटर, मास ऑफ एटम इज फोकस्ड इन द सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, सेंटर में फोकस्ड है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जी हाँ, ज्यादातर हिस्सा खाली है, वॉल्यूम कैसे होगा, ये रेडियस तो पूरी लेनी पड़ेगी ना एटम की, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो लगाना पड़ेगा ना, क्यों भैया, और वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, है ना, पूरी निकलेगी ना, कोई बॉल ले रहे हो तो पूरे की निकलेगा ना, पूरे का मास निकलेगा ना, अब उससे मतलब नहीं है कि मास ज्यादा बीच में है या मास ज्यादा बाहर की तरफ है, हाँ टोटल जब मास लोगे तो न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको बोर के मॉडल में ऑर्बिट बोल देंगे, शेल बोल देंगे, KLMN बोल देंगे, है ना, क्लियर है। तो अब इनके ड्रॉबैक्स कर लेते हैं, कहाँ पे गलत हुए, डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स भी लिख सकते हैं, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद अपने मॉडल में यह भी बोल दिया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना कुछ पाथ्स पे चक्कर लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट वर्ड नहीं यूज किया था लेकिन ऑर्बिट के बारे में थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन दे दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी बेसिस पे इनके मॉडल को बोला गया था प्लेनेटरी मॉडल, क्या बोल दिया गया था इनके मॉडल को, प्लेनेटरी मॉडल, किस बेसिस पे बोला गया था, बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टेन पाथ्स, जिसको बाद में क्या नाम आ गया, ऑर्बिट, और इसी बात में ये क्या हो गए, पकड़े गए। अब कैसे पकड़े जाएंगे वो देखते हैं, समझ लीजिए पहले फिर नोट करेंगे। ये रहा न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से चक्कर लगाएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी है कि अगर इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है या कोई चार्ज पार्टिकल
किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड चक्कर लगाता है, इस तरीके से सर्कुलेट करता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने अंदर से एनर्जी का लॉस करता है। इसकी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। वो एनर्जी बाहर निकलेगी रेडिएशन के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में निकलेगी। अब एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की बाहर निकल रही है धीरे धीरे, तो अल्टीमेटली एनर्जी कम हो रही है और न्यूक्लियस इसको खींच तो रहा ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, अट्रैक्शन फोर्स लग ही रहा है। अब आपको पता है अगर ये एनर्जी अपनी लॉस कर रहा है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सेंटर में खड़ी हूँ, ठीक है, अभी ये इधर हर्ष है, खाना पीना खा के आए हो, बिल्कुल एक रोप से हमको कनेक्ट कर दिया गया, मैं हर्ष को खींच रही हूँ, अब एकदम हर्ष के पास ताकत है तो हर्ष मेरी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, हर्ष जो है क्या है, बीमार है, बिल्कुल वीक है, 4 दिन से डिहाइड्रेशन हो चुका है, खाना वाना खाया नहीं है, एनर्जी गायब है बिल्कुल। अब उस दिन मैं खींच रही हूँ इनको, क्या होगा, हर्ष तुरंत चले आएंगे मेरी तरफ, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या हो गई है, लॉस हो गई। तो यदि कोई इधर से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है अगर, और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो धीरे धीरे ऐसा देखा जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पास आता जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, धीरे धीरे पास आता जाएगा, पास आएगा धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रॉन एक अल्टीमेटली एक ऐसी पोजिशन आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन आकर के कहाँ पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर गया तो एटम खत्म, और एटम तो दुनिया में है। तो पूछा गया, भैया ये बताओ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलेट करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, तो एनर्जी उसकी कम होती है, एनर्जी कम होती है तो इसका आंसर दीजिए कि ये गिर क्यों नहीं रहा है और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, एटम तो खत्म हो जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं, ठीक। दूसरी चीज, अभी इस टॉपिक के बाद वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे आप, उसके बाद आप एक टॉपिक पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक लीनियर स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम आता है, उसको भी एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे, तो उस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे जब आपको लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे। 3 तरीके के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम यहाँ। तो 2 पॉइंट इनके थे जिसपे ये फेल हो गए थे। पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट करते करते एनर्जी इस पे गिरा तो एटम खत्म हो जाना चाहिए, तो खत्म तो हुआ नहीं, तो इसका आंसर बताइए, आंसर नहीं था इनके पास। दूसरा था कि आपका हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स को 2 पॉइंट में लिख लेंगे, बस 2 ही इनकी प्रॉब्लम थी। फर्स्ट लिख लो, दिस मॉडल वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू, this model was not according to theory of electrodynamics या electromagnetism भी बोल सकते हैं, electrodynamics of Maxwell according to which every accelerated charge particle acceleration कहां से मिल रहा है इसको, बात समझ आ रही है, acceleration कहां से मिल रहा है, फिजिक्स में थोड़ा सा अगर सर्कुलर मोशन पढ़ लिया हो तो सर्कुलर मोशन में आपको बताया जाता है कि अगर सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड सेम है तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों वेलोसिटी उसकी चेंज होती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब स्पीड का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। चाहे वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ही हो
लेकिन अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड वही रहेगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस तरीके से ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इसको क्या लग रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहता है कि अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट रेडिएशन due to this energy of electron becomes less with time and radius becomes less and ultimately electron falls on nucleus and atom get destroyed. गार्गी अगर आपके पास लिखा हुआ कंटेंट हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट हो गया। सो दिस इज very big question about stability of atom. atom की stability पे क्या कर दिया, question mark लगा दिया कि भैया atom stable कैसे है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब क्योंकि अभी स्पेक्ट्रम पढ़ा रही है तो ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा, अभी पढ़ाएंगे तो समझ आ जाए, ठीक है। ब्रदरफोर्ड का मॉडल खत्म। चलिए टाइम बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रो दे देते हैं 10 मिनट में, ठीक है। चलो समझ लो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर बात की जाए लाइट की, अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इन सबको हम ट्रीट कर सकते हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर क्या होते हैं, किसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो समझते हैं। देख जैसे मान लो कि सपोज वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन, ठीक, किसी पार्टिकल को हमने बोला कि वो वेव, इलेक्ट्रॉन को सपोज हमने बोला वेव है, या लाइट पार्टिकल को हमने क्या बोला, वेव, ठीक। अब वो मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम कौन सी एक्सिस कह सकते हैं, तीन एक्सिस की बात करी जाती है आपसे, ये एक्स हो गई, इसको एक्स बोलते हैं ना, इसको वाई, मुझे मालूम है पर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको भी पता है कि नहीं, इसको जेड है ना। अगर एक्स एक्सिस में मान लीजिए कि वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन है, ठीक है, वाई एक्सिस में अगर मान लो ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है अगर मान लीजिए इस एक्सिस पे लग रही है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है, और जेड एक्सिस पे अगर इस पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट कर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये था आपका वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर इस तरीके से किसी पार्टिकल को आप देखते हो, किसी वेव को आप देखते हो, उसके पार्टिकल में इस तरीके की चीजें आपको दिखती हैं कि तीनों जो हैं डायरेक्शन वो क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन, उसके द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उन तीनों का अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्यों बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, कैसे काम कर सकता है, वो मैग्नेट की तरह, यानी कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो उसको हम कंप्लीटली क्या बोल सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डेफिनेशन लिख लीजिए, धनाधन ये बनाइए पहले डायग्राम, फिर डेफिनेशन, पहले डायग्राम बना लीजिए। एक्स वाई जेड एक्सिस बनाइए, लिख लीजिए, बन गया डायग्राम। इफ डेफिनेशन लिख लो, इफ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड
then it is called electromagnetic wave, or radiation भी बोल सकते हो, electromagnetic wave और electromagnetic radiation. EM wave और EMR बोल सकते हो, ठीक है. लास्ट स्लाइड कर दो डायग्राम. नेक्स्ट टर्न पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज करवाएंगे. वो सिंपल वेव की प्रॉपर्टीज जैसी होती हैं, और फिर उसके बाद आपको करवा देंगे क्या, क्योंकि आपने कोविड में 9th किया होगा तो इसलिए वेव की प्रॉपर्टी पढ़ानी पड़ेगी, है ना. नहीं तो जितनी प्रॉपर्टी मैं इसमें पढ़ाती हूँ वो 9th में पढ़ा देती हूँ. बिल्कुल, अब तो कहीं भी जा सकते हैं. एक मिनट रुक जाइए, वीडियो बंद हो गई. चलिए, क्लास ऑफ हो गई. ऑनलाइन वाले बच्चा पार्टी.